कलमा दुनिया पर दे, ओ मोहम्मद रे। फरमाया मेरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वे पुत्र किड़े मोहम्मद की गल पिया करना है। फरमाया अम्मा जिस मोहम्मद की गल तू पे करनी है ओ कोई होर नहीं बल्कि यही मोहम्मद है। फरमाया बेटा लोकी ते मैनू होर तरह आख दे रहा है। फिर बेटा अज एक काम करना है, अज मेरे अंदर तब्दीली आ गई है। एक तब्दीली ओ है जेड़ा वजीर आजम लियाना चाहता है, एक तब्दीली ओ है जेड़ी अज माई दे अंदर तब्दीली आ चुकी है। फरमाया बेटा अज एक काम करना केड़ा, अज तो बाद मैनू अपने लड़ ला लै। फरमाया अम्मा फिर एक काम करना पैगा केड़ा, ला जिक्र कर लो ना उच्चवा नाल, ला काम कर मैनू कलमा पढ़ा दे ते मैनू अपने लाल ला ले। आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। हुण बुढ़ी अम्मा आमना दे लाल दे ताबे हो गए, क्यों जो आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जगह वास्ते रहमत बन के आए। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस कनाते अंदर बहार बन के आए। तवज्जो पर आखरी करना करके गल खत्म करिए। इस दुनिया दे अंदर बहार बन के आए। पहले तरीकी है जदो बहार आई ना, हुण बहार बन के जदो आमना दे लाल तशरीफ लेके आए। हुण तब्दीलियां आवनियां शुरू हो गईयां। इस बहार दी जदो खुशबू फैलनी शुरू आई, बहार दी खुशबू फैले नबी दे यारा तक पहुंची। फिर बहार दी खुशबू फैले ताबीन तक पहुंची, ताबा ताबीन तक पहुंची। जदो बहार दी खुशबू फैले इसकी खुशबू इमामा तक पहुंची। इस बहार दी खुशबू मियां चलती चलांदे लाहौर दे अंदर अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची। इस बहार दी खुशबू चलती चलती जदो जंग दे अंदर फेरा पावे अकनवाज जंग वी। जदो नातक दी खुशबू फैली ना ओ इस खुशबू तू मुतासिर हो गए। मौलाना आजम तारिक ओ नातक खुशबू फैली ए कौन है? मौलाना आजम तारिक रहमतुल्लाह अलैह चार साल हो गए ने जेल दी काल कोठड़ी दे अंदर बंद ने। रमजान दी ईद दा ऐलान शुरू होया। मुसलमानो तुहानू मुबारक होवे, चन नजर आ गई है। हुण मौलाना आजम तारिक दी नन्नी ते मासूम बच्ची अपनी माँ दे कोल पुजदी। अम्मा मेरियां सारियां सहेलियां अपनी अम्मा दे नाल बाजारा दे अंदर जा रहियां ने। अपने पाप दी उंगली पकड़ के बाजारा दे अंदरों चूड़ियां पईयां खरीद दियां ने, कपड़े पईयां खरीद दियां ने। अम्मा मेरा जब्बू किथे वे, अज मेरा पाप मौजूद होंदा मैनू भी बाजार दे अंदर लेके जांदा चूड़ियां लेके देंदा। अम्मा दसना मेरा अब्बू किथे वे, मारे दिलासा दिता बेटी सबर करना तेरा अब्बू आण वाला है, थोड़ी देर तो बाद तेरा अब्बू आ जाएगा ना। बेटी खामोश हो गई थोड़ी देर तो बाद। फिर बेटी दी जबान ते यही सवाल, अम्मी इतनी देर गुजर चुकी है, इतना वक्त गुजर चुका है, अपने बाप का चेहरा भी नहीं वेख्या। अम्मी चार साल गुजर गए ने, मैनू दसते सही ना मेरा अब्बू किथे वे। फिर बेटी दी जबान ते यही सवाल, मां दिलासा दिता बेटी खामोश हो जाना, तेरा बाप आ जाएगा थोड़ी देर तू बाद आ जाएगा। रस्ते दे अंदर होएगा उन्हें आ जाएगा। रात दे बारह का टाइम होया, नन्नी बेटी दी अख खुली। फिर मां नु पुछदी है अम्मी हुण ते रात
बारह का टाइम हो गया मैनू दस दे सही ना तू कहती सी थोड़ी देर तू बाद आ जाएगा इतनी देर गुजर चुकी आते बारह का टाइम हो गया अम्मी हरी तक मेरा पो नजर नहीं आया अम्मी दसते सही ना मेरा पो कदों आएगा आ कहती है बेटी खमोश हो जाना बेटी सबर कर जाना मेरा पो आ जाएगा सुबह का टाइम हो गया फिलहाल देखो जदों वेख्या अपने बाप दे नाल बेटियां बाजारा दे अंदर जा रही ने ईद की तैयारी पईयां करदियां ने नवे कपड़े पईयां पहनदियां ने जिस्म ते खुशबूआं पईयां लैंदियां ने फिर बेटी पुछदी अम्मी हुण ते रात भी गुजर चुकी है हुण ते सुबह का टाइम हो गया अम्मी हुण ते मैनू बाप मिला देना मैनू बाप की शफकत दे देना अम्मी दस दे सही ना मेरा बाप किथे वे मां दे कोल बर्दाश्त ना होया बेटी दी उंगली पकड़ी लैके चली गई उस जेल दे अंदर उस काल कोठड़ी दे अंदर जिथे मियां मौलाना आदिल तारिक रहमतुल्ला अलैह नो जेल दे अंदर सलाखा दे अंदर हद कड़िया दी सूरा दे अंदर बंद कीतो होया है जदों बेटी ने वेख्या बेटी दियां चीखां निकल गईयां बेटियां वालों दिल ते आदर रखो नाल उस बेटी दे दिल ते की गुजरी होगी जदों बाप दे जिस्म दे फटे ते पुराने कपड़े वेखे होणगे कैदियां दे कपड़े वेखे होणगे कसूर भी कोई नहीं कसूर केड़ा है इस बहार दी जदों खुशबू सूंघी है इस बहार दी खुशबू तू मुतासर होए ने कसूर सिर्फ इतना है जदों नन्ही बच्ची ने वेख्या चीखा निकल गईयां बोल के कहंदियां पो अज साडे देश नू छोड़ के अज अबू इतने साल हो गए ने अबू अज इत्थे डेरे ला लए ने अबू जे मेरे तू नाराज है ना कि मैं तेरे कोल पैसे मंगदी सन अबू अज तेरे तू बाद तेरे कोल पैसे भी कोई ना मंग सा तेरे कोल चूड़ियां भी कोई ना मंग सा अबू अज तेरे कोल इस वास्ते आई आ कि मैनू बाप वाला प्यार दे दे अबू अज इस वास्ते आई आ तेरे कोल चूड़ियां लैण वास्ते नहीं आई अबू इतने दरसा हो गया असाडे घर नू छोड़ के अज इत्थे डेरे ला लाए ने अबू जे मेरे तू नाराज है मेरे तू नाराज ना हो मौलाना आजम तारिक सारी आखो ना रहमतुल्ला अलैह उच्ची आवाज नाल आखो रहमतुल्ला अलैह जदों उन्हां ने गल सुनी बोल के कहंदे ने बेटी परेशान ना हो गम सदा ना हो जदों तक इस पाकिस्तान दे अंदर इस दुनिया दे अंदर सापां नू बुरा भला कहण वाले मौजूद होण मेरी अम्मा ऐशा ते दबला करण वाले मौजूद होण अबू बकर ते दबला करण वाले मौजूद होण हजरत उमर ते दबला करण वाले मौजूद होण हजरत उस्मान ते दबला करण वाले मौजूद होण हजरत अली हजरत अमीर माविया हजरत साहबे कराम ते दबला करण वाले मौजूद होण मेरी बेटी तेरा बाप सुख दा साह नहीं लै अज असा दुनिया दे अंदर आके दुनिया दे अंदर इस तरह मस्त हो गए कि आमना दिलाल सल्लम दे तरीके छोड़ दिते आमना दिलाल सल्लम दी गुलामी छोड़ दिती मेरे दोस्तों आमना दिलाल सल्लम दा आखिरी वेला है बस आखिरी दो तीन मिनट दे अंदर जलकी देवी है उस तो बाद गल खत्म करिए मेरे महबूब दा आखिरी वेला है ये टाइम इस वास्ते लै रहे हैं उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले आ चुके ने जिवें कुछ मजमा शुरू होंदे इंशाल्लाह फौरन उन्हां दा बयान शुरू हो जाएगा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आखिरी वेला है तवज्जो नाल सुनिया है अज असा खुशी ते गमी ते आमना दिलाल सल्लम नूं कितना सुख पहुंचाने हैं आमना दिलाल सल्लम आखिरी वेले सानूं कितना याद कीता है आखिरी वेला है दरवाजे ते दस्तक आ गई फरमाया बेटी की गल है अबो जी पता नहीं कोई सहाबी आया ये राबी आया है बार बार दरवाजे ते दस्तक पिया देंदा है थोड़ी देर तो बाद फिर दरवाजे ते दस्तक आई बेटी फातिमा कोल बैठिया ने बेटी की गल है अबो जी पता नहीं कोई राबी होएगा या साफी होएगा बार बार बुआ पिया खड़कोंदा है लेकिन आमना दे लाल आराम पे कर देने फरमाया बेटी अज दरवाजे ते आन वाला कोई इराबी नहीं कोई साफी नहीं अज मलकुल मौत दरवाजे ते आया है बेटी ए तेरे अबे मुहम्मद दा मकाम ते मतबा है जड़ा इजराइल भी बार बार इजाजत पिया मंगदा है
रिवाया दे अंदर होंदा है जदो मेरे महबूब दियां धीआं ते बेटियां मेरे महबूब दा घराना पुल सिरात तू गुजरेगा अल्लाह नूरिया नू फरमावेगा नूरी ओ नजरा नीवियां कर लो मेरे नबी दा घराना गुजरदा पिया बेटी ए तेरे अपे मुहम्मद दा मकाम ते मर्तबा है जेड़ा इजराइली बार बार इजाजत पिया मंगदा है फरमाया बेटी मेरे सीने ना लग जा आखरी मुलाकात कर ले आज दरवाजे ती कोई राबी नहीं कोई साफी नहीं बेटी जाई ओ दिल दा टुकड़ा इजाजत मिल गई हजरत इजराइल अंदर आ गए फरमाया सोनिया अल्लाह दा सलाम भी कबूल करो अल्लाह दा पैगाम भी कबूल करो इजराइल की पैगाम लेके आया फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिता है अगर दुनिया दे अंदर रहना चाहते हो तो दुनिया दे अंदर रह लो अगर अल्लाह नाल मुलाकात करना चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल मुलाकात दा शौक रखते ने फरमाया ओदे नाल मुलाकात दा ते मैनू भी शौक है फरमाया सोनिया तुहाडे नाल मुलाकात दा ते ओनू भी शौक है लेकिन इसराइल पहले जा अल्लाह को पूछ क्या मेरी उम्मा दे के कर से इस तरह ना वक्त याद रहा दे ना तख्त याद रहा दे लेकिन मेरे महबूब ने याद है ते एक गुनाहगार उम्मत याद है फरमाया इसराइल पहले जा मेरे अल्लाह को पूछ क्या मेरी उम्मा दे के कर से फरमाया उम्मत तुहाडी होवे कल्ला छोड़ देवा गल बनदी नहीं तुहाडी उम्मत नूं कल्ला नहीं छोड़ांगा तना नहीं छोड़ांगा रुसवा नहीं करांगा मेरे सोने दी जदों रूह परवाज़ होण लगी इसराइल ने एक छोटी जी ची रखी मेरे सोने नबी तड़प गए इसराइल ठहर जा एक ही पिया करना है फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिता है कि मेरे सोने नबी नूं तकलीफ ना होवे इसराइल अल्लाह ने हुक्म दिता है कि मेरे सोने नूं तकलीफ ना होवे फिर भी मैं इतनियां तकलीफां महसूस पिया करना अज एक सौदा कर ले केड़ा अज तू लैके क्या मत तक जितनी मेरे उम्मत नो तकलीफ देनी यही मैं मुहम्मद सीना हाजिर ही मैं मुहम्मद सीने ते आण दे अज साडी खुशी होवे ते तरीका गैरां दा होंदा है आमना दिलाल सल्लम दे तरीका नु छोड़ देने हैं मेरे दोस्तों असल कोई गुनाह करने हैं ते आमना दिलाल सल्लम गुम्बद खजरा दे अंदर तकलीफ महसूस होंदी है अगर अस नेके कर सकते आमना दिलाल सल्लम गुम्बद खजरा दे अंदर ठंडक महसूस हो सी केड़ा केड़ा इरादा कर दो इंशाल्लाह अज तो बाद पांच टाइम दी नमाज पढ़ सें आमना दिलाल सल्लम दी ज़ात के दस्ते कम अज कम एक तस्बीह दुरूद पाक दी पढ़ सें अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमावन वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।